अपने क्रेडिट कार्ड को कैसे करें सिक्योर। इस समय भारत में लगभग 7 करोड़ क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेटेस्ट आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले सितंबर के महीने में ही 11 लाख नए क्रेडिट कार्ड शामिल हुए और कुल कार्ड से 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, मगर इसके साथ ही क्रेडिट कार्ड लेन देन में धोखाधड़ी के मामले भी सामने आ रहे हैं। RBI ने ऐसे मामलों में कमी लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। आज का ये वीडियो इस गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, जिससे कोई भी व्यापारी धोखाधड़ी का शिकार ना हो सके। इस वीडियो में क्रेडिट कार्ड को कैसे सुरक्षित करें, इसके लिए 5 टिप्स बताए गए हैं। पूरा वीडियो देखें और जानें क्रेडिट कार्ड को कैसे सिक्योर करें। अपने क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट तय करें। ये आवश्यक नहीं है कि जितनी आपके क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट है उसे आप पूरा खर्च कर दें। उदाहरण के तौर पर, यदि आपकी क्रेडिट लिमिट 1 लाख रुपए है मगर आप इतने पैसे खर्च नहीं करते हैं, तो आप कम लिमिट सेट करवा सकते हैं। इससे होगा ये कि इस राशि से ऊपर की कोई भी एक्टिविटी ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगी, फिर आप जब चाहें तो एक क्लिक से फिर से अपने कार्ड की सीमा बढ़ा सकते हैं। अपने कार्ड की ट्रांजैक्शन लिमिट तय करें। आप अपने कार्ड पर लेन देन का मैनेजमेंट और कंट्रोल भी कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड धारक जरूरत के अनुसार पॉइंट ऑफ सेल यानी POS पर लेन देन की सीमा तय कर सकता है। यदि आप सामान्य रूप से 10,000 रुपए से अधिक के लेन देन के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करते हैं, तो आप इतनी ही लिमिट तय कर सकते हैं। इससे ये सुनिश्चित होगा कि एक बार में आपके कार्ड से 10,000 रुपए से अधिक का लेन देन नहीं होगा। आप ऐसी लिमिट डेली खर्च के लिए भी लगा सकते हैं। कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन को डीएक्टिवेट करें। अधिकतर क्रेडिट कार्ड पर अब कॉन्टैक्ट लेस लेन देन की सुविधा मिल रही है। इसके लिए आपको भुगतान करने के लिए पिन नंबर नहीं डालना होता, बस एक टैप में भुगतान हो जाता है। ये सुविधा 5,000 रुपए से कम के लेन देन को बिना पिन डाले प्रोसेस करने में सक्षम बनाती है। यदि आपका कार्ड किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो ये कई बार खतरनाक हो सकता है। आप कॉन्टैक्ट लेस ट्रांजेक्शन सुविधा को बंद करके या इसकी लिमिट को और भी कम करके समस्या से बच सकते हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को बंद करें। यदि आप विदेश यात्रा नहीं कर रहे हैं, तो आप अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को बंद करने का विकल्प चुन सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे फिर से चालू कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स या ऑनलाइन लेन देन को सीमित या निष्क्रिय करना अच्छा होगा, क्योंकि अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन लेन देन आमतौर पर OPT के बिना प्रोसेस होती है, जिसमे धोखाधड़ी होने का चांस काफी रहता है। कैश के लिए ATM लेन देन मैनेज करें। क्रेडिट कार्ड पर कैश निकालने की सुविधा भी उपलब्ध है, मगर जिस दिन आप कैश निकालते हैं उस दिन से इस पर ब्याज की गणना की जाती है। एक्सपर्ट्स की ओर से ये सलाह दी जाती है कि जब तक आप किसी इमरजेंसी में ना हो, कैश विड्रॉल के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग ना करें। क्रेडिट कार्ड पर कैश लेन देन को रोकना एक अच्छा फैसला है। आपात स्थिति में आप हमेशा कैश निकालने की गतिविधि को एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को सिक्योर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए फॉलो करते रहें OK Credit। OK Credit, बिजनेस OK है।